हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं हिमाचल दर्शन। आज के इस वीडियो में हम गोबिंद सागर झील के किनारे पर बने बाबा गरीबनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। अभी हम मंडली रायपुर मार्ग पर जा रहे हैं, जो कि भागड़ा डैम से होते हुए माता नैना देवी मंदिर की तरफ भी जाता है। यहाँ से मंदिर के लिए आप लेफ्ट हैंड टर्न करें। यहाँ से मंदिर की दूरी 500 मीटर के करीब है। गांव के बीच में से होता हुआ ये रास्ता आपको मंदिर की तरफ ले जाता है। यहाँ से आप बादलों से घिरी हुई गोबिंद सागर झील के साथ साथ इस बहुत ही खूबसूरत मंदिर के दर्शन भी करें और मंदिर की दूसरी तरफ हरी भरी वादियों के साथ मनमोहक पर्वत श्रृंखला का आनंद लें। यह है बाबा गरीबनाथ का खूबसूरत मंदिर। भगवान शिव की प्रतिमा के साथ इस मंदिर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। बरसात के मौसम में ये मंदिर 2-3 महीने के लिए चारों तरफ पानी से घिर जाता है। तब इस मंदिर के दर्शनों के लिए किश्ती में जाना पड़ता है। चलिए अभी चलते हैं मंदिर के अंदर और भगवान शिव के दर्शनों के साथ साथ मंदिर का भीतर से दृश्य भी देखते हैं। ये वृक्ष 500 साल से भी अधिक पुराना है। अभी हमें मंदिर के ऊपर, यहाँ से हम भगवान शिव की प्रतिमा के पूर्ण दर्शन कर सकते हैं। ऊपर से गोबिंद सागर झील का दृश्य भी बहुत सुंदर है। इस मंदिर की दूरी नंगल से 25 किलोमीटर के करीब है और ऊना से इसकी दूरी 26 किलोमीटर है। झील में बोटिंग की सुविधा भी है। झील में नहाने की गलती ना करें, पिछले कुछ सालों में यहाँ दुर्घटनाएं भी हुई हैं। मंदिर में भोजन और रहने का उचित प्रबंध है। ये है विशाल शिव प्रतिमा के दूसरी तरफ का दृश्य। इसी रास्ते से हम यहाँ आए हैं। इन हरी भरी खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में से होकर एक रास्ता माता नैना देवी की तरफ ही जाता है। यह है मंदिर के भीतर का दृश्य। यहीं पर बाबा गरीबनाथ जी ने 40 साल तक तपस्या की थी। अभी हम हैं भगवान शिव की विशाल और अलौकिक प्रतिमा के नीचे। ये प्रतिमा बेहद खूबसूरत है और साक्षात भगवान शिव के रूप का एहसास करवाती है।
कुदरत के इस अद्भुत दृश्य के साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।